करो, ये सब गलत हो जाएगा, ऐसा क्या ऐसा क्या। जब वो क्रॉस करा, क्रॉस करने के बाद उन्होंने उसको छोड़ा, उसके बाद वो चल रहे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जूनियर वाला अपनी जगह चलते जाए। अच्छा बात कर रहा हूँ, धर्म उठा क्या अपनी जान आती है, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। सीनियर को अपने करंट जूनियर को कहा गलती मुझसे नहीं, मुझसे होगी क्योंकि मुझसे भी गलती होगी। उन्होंने कहा मैं उस स्त्री को उस किनारे पर ही छोड़ रहा, ये तो तुम जो अभी तक उठाए हो। चल सकता है बशर्त आप दुनिया में छोटा नहीं सकते, बहुत बड़ी बात नहीं, छोटा नहीं सकते, बहुत छोटा नहीं सकते। आप खुद सोचे काफी लोग पूछते हैं। अब सुनिए मुझे बताइए कि कृष्ण को जब आप लाड़ से जलाते हैं सब कुछ करते हैं, गुजारा की पोयम में लिखते हैं, सुनिए बताए, चिपचिपा दूध से नहलाते हैं आंगन में खड़ा करके तो चिपचिपा दूर से नहलाते हैं आंगन में खड़ा करके तुम्हें, शहद भी तेल भी हल्दी भी ना जाने क्या क्या घोल कर ढोल देते हैं तवेली से सर। औरतें गाती हैं चलते रसूलों में मिलके, तुम नहीं हो तो तकलीफ तो होती होगी। सुनिए अब मुझे लगे स्पिरिचुअल कौन, वो जो सचमुच में नहला रहा है या वो जो महसूस कर रहा है उनका पेन बनाते वक्त आपको एक बात करते यहाँ पे भर दूध में चिपचिपे दूध से नहलाते आंगन में खा करके, ऐसा नहीं कहीं कौन शहद भी तेल भी हल्दी भी ना जाने क्या क्या घोल कर ढोल देते हैं तबेली से सर। और ते काफी जब तेल रसों में मिलके कुछ नहीं हो तो तकलीफ तो होती होगी। छोटी बात स्पिरिचुअलिटी रोजमर्रा की चीजों में उनमें भगवान को देख लेना और उनमें भगवान को महसूस कर लेना, बस ये कर स्पिरिचुअल। Does not exist for me. The materialism is spirituality. So you won't see me sitting with betting for idealism, or you may not see me as spiritual. Often by seeing my parents, people ask, which spiritual group you belong to? You are from Adam Levin? Oh, you are from Baba Ramdev Singh? Or you are from that? Or you are from that? Ramakrishna, etc. I said, how can I with everyone, including science, because I am trained as an engineer, researcher also, and I'm Sanskrit, and I'm comfortable with all the three epistemologies, with observation, inference, and the global testimony. So how to grapple with this kind of reality also? So that's why I'm presenting my Purpaksha. Purpaksha can happen in two ways, using the Purpaksha arguments to bring about your point, or you bring your viewpoints. I will do by both the ways. So first, let's take the Charvaka. Charvaka says that there are only four elements, and out of that, consciousness has come about. Okay, let's do that. So, by this argument, the phone is a conscious object, the pen is a conscious object, a worker who is doing the work with the machine is a conscious object, a student like you who is entering the building of the college and touching the stairs and labeled as mandir, Sur Mandir, Pratya Mandir, Mandir. So because as you are true to Charvaka's philosophy, you are seeing consciousness there. Because you believe consciousness is there in the elements. So you are also having to speak it that way. So even if you do that, you still reach the best way of life. The materialism also is showing you the ultimate existence. Because when your consciousness attaches with the other consciousness, then only you feel good.
If Lionel has experienced me, what is good? If I have taken food, is it the feeling that I am full? Is that good? Or if the food is lively? When I say, oh, the music was very lively. The term that they use is lively. In Hindi it means jeevanta. मतलब उसमें चेतनता है जो है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आनंद है वो चेतनता के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारे तत्वों की चेतनता दूसरों में, तो इसका मतलब हमें हर हर जगह ईश्वर ही दिख रहा है। अब ईश्वर को चाहे चेतनता के नाम से जान लो, चाहे आनंद के नाम से जान लो, चाहे कहते हो चारवाक के उससे देखें तो ये बिल्कुल फिट बैठता है। दूसरा आर्गुमेंट जो चारवाक को नीचे दिखाने के लिए कुछ लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि मटीरियल प्लेजर का शॉर्ट टर्म, बट इफ देयर इज कॉन्शियसनेस इन द मटीरियल प्लेजर दे आर नॉट शॉर्ट टर्म। वी विल नॉट टेल यू अबाउट आवर द डेथ ऑफ माय मदर, यू नो द डेथ ऑफ माय वाइफ, आई फील नॉस्टैल्जिक अबाउट फॉर द होल लाइफ इवन व्हेन दे आर गॉन। इफ माय फादर एंड माय मदर आर डाइड आई स्टिल रिमेंबर द टच दैट दे हैड, दैट मींस दैट प्लेजर इज स्टेड विद मी, हाउ कैन बी शॉर्ट टर्म, this stayed in my last breath. So we know that. Isn't it? So that means this argument that material pleasure is a short lived is a weak argument. Because if material pleasure, from Chava's perspective, if consciousness is ready for material, then the material that he is referring to is not just material, it is with consciousness. And consciousness is put into spirituality by spiritual people. So it's just the terms are different, but they also are taken to the end. That's one way. And the second, he has already explained, the spiritual way to attain the best existence is doing without devotion. So now I'm introducing the middle way, wherein I don't see them different. So I propose, and this is part of my thesis also, the 5 points, and they are not my propositions or my inventions. They have been from our scriptures and Gita primarily. Why Gita? Gita gives you 18 chapters, 18 perspectives to look at the same situation and then decide that you are looking at the book. Not just 4 perspectives, it gives you 18 perspectives. That's why each chapter is called as Yoga. People who have studied Gita, Sankhya Yoga, the first chapter is Vishad Yoga, second is Sankhya Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Karma Sanyas Yoga, Kshetrakya Yoga. So it's a complete philosophy in itself. Every chapter is a complete philosophy. Independently. So Gita is the best place where you can, in a concise way, you can figure out these arguments. So I am using Gita's arguments to understand that there is no distinction. So initially I said the purpose of debate has to be clear. This was about integratedness. So these 5 points constitute my proposition for debate. So first is Ekam Sarva Prithu Bhavah Vadanti. The truth is one, the wise says it differently. And which is okay. If Islam sees it in a different way, I would understand that no, they come from the desert way. It's best to live through, if you are living in the desert, Islam is the best way to live. Oh, you are a Christian. Oh, if I am living in Rome, perhaps, yes, the best way to live is Rome. If you are in Kabir's place, maybe the Kabir Sufism is the best way to live. So this is their different perspective. So Ekam Sarva Prithu Bhavah Vadanti, and no one is wrong. No one is wrong, so there is no question of comparing them. It will be like comparing apples with oranges. Second, the life purpose is Chavas and material pleasures, which will say deliberations. But our scriptures constitute both. And not they don't create that this is higher, this is lower. They say Chattvara Pushpushra, Dharam Art Kamo. So, I think it's there in the invitation which Ankur said, Yata Vyudhya Nishraya Siddhi Sadharma. Abhyudhya Nishraya Ki Samaya Siddhi. He who hai. Laav agar shukh laav nahin hai, to laav nahin hai. So, in our culture, every material pleasure is intertwined with consciousness. Like the dances that you performed yesterday. Spirituality was in, you never claimed that, these are spiritually ethical dances. They were clean dances. You don't have to. Because there was a sensual pleasure also by looking at the dances, and there was a higher consciousness than people would have experienced. Because you don't have to say that,
that dance is that, you know, that flamenco was a materialistic dance and the Bharatnatyam was a spiritual dance. No, you don't have to do this disclaimer because everyone, the intent is that you did was made it complete. So that perspective, a dancer attains liberation through dancing by worshipping the crowd or no? A worksman worships his own machine as Vishkarma. A person who is doing the cooking, he worships his burner. A driver who is driving the bus worships the steering of the wheel. And you saw that. I don't have to introduce these things to you. You have already seen around you. They don't, if you ask the driver, oh, are you spiritual? He said, sorry, I don't understand this word. I'm sorry, I just drive the bus. If you ask the cook, so why do you put the first roti in the tandoor? In your clay oven, but we put the first bread that we prepared in the oven in the morning as a salutation to Annapurna. So if you ask that, are you spiritual? I don't know. That will be his response, right? So this is there is so much intertwined. So yatha vidya nishchaya siddhi sadharma. So it is not specifically they have to be joined afterward. It's already there from the beginning. Third is integral view on action through embodied knowing. Siddha siddhi yo samo buddhva samartho yo ucchate. We are there with the process, not with the fruits. So we are living the process. We are living for performing dances, not for the prizes that will happen afterwards. That first one, the flamenco one, or the second one, or the Bharatnatyam one. That is a competitive world. The Darwinian worldview of looking at things. Dog eat dog. So it's not that worldview. So this third point takes care of that. And it's from Gita. The fourth is doing without doership. प्रकृति क्रिया मनानी गुहे गुणवानी सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामति बन जाते तो गीता से दैट मींस ऑल दीस आर वी आर आल्सो कंपोज्ड ऑफ गुण दिस इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ गुण एंड दे इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड दैट्स हाउ दिस थिंग्स आर हैपनिंग बट यू आर नॉट अवेयर फ्रॉम दिस इट्स इट्स नॉट दैट यू आर नॉट इन कंट्रोल यू आर लाइक अ पेन व्हिच इज राइटिंग बट द होल्डर ऑफ द पेन इज नॉट यू द होल्डर ऑफ द पेन इज द गुण are governed by Ishwar or Manchester or for physics you can say that is the fundamental particle or whatever. But you are not that. You are the pen which is writing. So you can safely say that pen is writing the paper. I'll give you a small version. An experience with a sadhu. One of our Acharyaji, if you ask him that there are 10 people coming, please put 10 bags for them in the room. He will put the 10 bags and afterwards what he will say. So there are two ways he can report this to me. One, he will say, I have put 10 bags in the room. Please come. That's the first way. Second way is, the bags have been prepared. Please come. In both the cases, who did the bags? Acharyaji. In the second case, he was the instrument. In the first case, he had the arrogance of the doer. And that is what Gita is referring by saying, Prakriti Kriya Malani Gunai Kamani Sarvasha Ahankar Vimura Atma Karta Mudhi Mundi Ahankar Vash Jo Hai Ya Atma Isko Man Mudhi. That's the fourth. And the fifth, the final one, as part of integrated prayer. We are all connected. Tat Mo Masi Yada Pindri Tata Brahmandi Vedi Ke Vakti Isko Vishara Karte Hai Chai Environmentalist Ho Chai Kuch Bhi Ho If in science, we use this example. If a butterfly is fluttering in Chile, or a butterfly is fluttering here, you can experience an earthquake in Chile, in Southern America. And now there is scientific evidence that things are related. If there is no rainfall in Rajasthan, maybe because of something happened in America. In the environment. So at all levels, we are seeing that we are connected. Tattvamasi. So any objective of any activity cannot be devoid of this connection that, you know, I can, for my good, I can have. So you bring even charvak also. I'm invoking charvak again because I'm putting my case to charvak. That is also okay. How? If I'm thinking about only my pleasure, eventually it can turn into my bad thing. Those who are the students of the Vedics will understand the concept of common good. If there is a common power for you and you are enjoying that power, a small story, although we are shooting on time, but I use this story because this story is, you know, I'm glad that we share stories and examples
because those are the things which will stay for your life. The theoretical arguments that have, they may not, you may not remember them after that. You know, the stories and metaphors you will. It stay with me for sure. Yeah, so I'll give you a story. Once upon a time, there was a king. He had a dream that he should build a well of milk in his kingdom. So he said to this minister that make an announcement that everyone has to dug a well and everyone has to put one tumbler of milk in Brahmapur. Brahmapur is the time when there is no sun, I mean the night is converting to morning, so they still dark. So for you know Brahmapur. So in the Brahmapur, everyone has to put one tumbler of milk. So he came after sunrise and saw that the well should have been full with milk, and he saw the entire well is water. So then he said, what happened? So he noticed that everyone thought the other person will do it right, and even if I don't do it okay, it will be okay. But eventually it led to the collapse of the common good. In economics, this is called the problem of commons. People who have studied economics, the theory of it is taught under game theory. The problem of commons. So even if you are altruistic, even if you are charwa, you will work for a common good because eventually it will come back to you. Once you are establishing the relationship of cause and effect to you, you will work towards common good and you will create a policy. So we are all connected is not something which is being the thing which is only spiritual. It's material also. You know, in that sense. So that's why let's not distinct. So these are the five things, and I rest my case with the two things. First is the Gita. From Gita, and here you can say that I am expressing my slight discipline, you know, because I am yet to know a lot of things. So that's why. But I believe eventually in few years or maybe next month I will make sense of them integratively. But These are one of the points where I am not able to integrate these things. And one is, Gita says, Sanchaya Atmane Drashyati, Shraddha Avan Lapte Gyan. And I have experienced this, I have practiced this, and I found that the process of knowing becomes very fast. If you don't have some shame, if you have Shraddha, you just, whatever you understand, say, okay, let's do it, learn by experience. So there is faster way of knowing. But this is at odds with Charvaka's epistemology, the dualistic epistemology. So this is one count that I am not able to somehow bring integrated. The way that we understand things, you know, is by argumentation. I found there is a higher way. The higher way is our art and culture, our living popular stuff. So I am just reading, this two lines from Ramayana. I want to read below, but not at time. Because these Charvaka and these philosophies were there since Ramayana. So there is a time when Sri Ram is being convinced by Bharat and the ministers that please go home, Dashrath has died, and whatever you have promised to him is okay. He died, so his promise also is okay. Come back. My mother is also repenting on asking for you to fight, and please come. So they are using various kind of arguments with Ram. One of the arguments was done by a Brahman called Jamali. I am reading in Hindi, so it will be fun. When Dharma ke Shri Ramchandra ji Bharat ko is prakar samjha bujha rahe the, usi samay Brahman Shiromani Jamali ne unse yeh dharm virudh vachan kaha. Hey Raghunandan, aapne theek kaha. परंतु आप शेष बुद्धि वाले तपस्वी हैं, पता है आपको गवार ज्ञानी मनुष्य की तरह ऐसा निरर्थक विचार मन में नहीं लाना चाहिए। संसार में कौन पुरुष किसका बंधु है और किसने किसको क्या पाना है? जीव अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही नष्ट हो जाता है। अतः श्री राम जो मनुष्य माता या पिता समझकर किसी के प्रति आसक्त होता है, उसे पागल के समान समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी का कुछ भी नहीं, कौन पिता कौन माता कौन बंधु। जैसे कोई मनुष्य दूसरे गांव को जाते समय बाहर किसी धर्मशाला में एक रात के लिए ठहर जाता है और दूसरे दिन उस स्थान को छोड़कर आगे के लिए प्रस्थित हो जाता है, उसी प्रकार पिता माता घर धन ये मनुष्यों के आवास मात्र ही हैं। कुबस और भूषण इनमें सज्जन पुरुष आसक्त नहीं होते। अतः नरश्रेष्ठ
आपको पिता का राज्य छोड़ के दोपहर नीचे ऊंचे तथा बहु घंटा का कीर्ण वर के उत्सव मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। आप समृद्धिशालिनी अयोध्या में राजा के पद पर अपना अभिषेक करेंगे। वह नगरी प्रोषित भद्री का नारी की भांति एक वेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा कर रही है। राजकुमार, जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में विहार करते हैं, उसी प्रकार आप मुगुल्य राजभोगों का उपभोग करते हुए अयोध्या में विहार कीजिए। राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके कोई नहीं है। राजा दूसरे थे और आप भी दूसरे हैं, इसलिए मैं जो कहता हूँ वही कीजिए। पिता जीव के जन्म में निमित्त कारण मात्र होता है। वास्तव में ऋतुमती माता के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए वीर्य और रज का परस्पर संयोग होने पर ही पुरुष का यहाँ जन्म होता है। राजा को जहाँ जाना था वहां चले गए। यह प्राणियों के लिए स्वाभाविक स्थिति, आपको व्यर्थ ही मारे जाते हैं और कष्ट उठाते हैं। जो जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थ का परित्याग करके धर्म बनाए हुए हैं, उन्हीं उन्हीं के लिए मैं शोक करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं। वे इस जगत में धर्म के नाम पर केवल दुख भोग कर मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गए। अष्ट का आदि जितने श्राद्ध है उनके देवता पितृ है। श्राद्ध का दान पितरों को मिलता है, यही सोचकर लोग श्राद्ध में प्रवृत्त होते हैं, किंतु विचार करके देखिए तो इसमें अन्न का नाश ही होता है। पता मरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा। यदि यहाँ राम को आर्गुमेंट्स दे रहे हैं चारवा दर्शन, यदि यहाँ दूसरे का खाया हुआ अन्न दूसरे के शरीर में चला जाता तो प्रदेश में जाने वालों के लिए श्राद्ध ही कर देना चाहिए, उनको रास्ते के लिए भोजन देना ही नहीं चाहिए, उनको रोज ताजा भोजन बना के जैसे कोई अमरीका में यही भोजन बना दीजिए और यही पहुंच जाएगा उनके पास। ऐसा कह रहे हैं उनके रास्ते के लिए भोजन देने की आवश्यकता नहीं होगी। देवताओं के लिए यज्ञ पूजन करो, दान दो, यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो, घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाओ, इत्यादि बातें बताने वाला ग्रंथ बुद्धिमान मनुष्यों ने दान की और लोगों की प्रवृत्ति कराने के लिए ही बनाए हैं, यानी अपनी आजीविका के साधन के लिए ब्राह्मणों ने पकड़ रखा है। अतः महामते आप अपने मन में यह निश्चय कीजिए कि इस लोक के सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है, अतः वहां पर भोगने के लिए धर्म आदि के पालन की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्यक्ष राज्य लाभ है उसका आश्रय लीजिए, परोक्ष यानी पारलौकिक लाभ को पीछे धकेल दीजिए, उसका कोई अभ्यत्य नहीं। सत्पुरुषों की बुद्धि जो सब लोगों के लिए राह दिखाने वाली होने के कारण प्रमाणभूत है, आगे करके भरत के अनुरोध से आप अयोध्या का राज्य ग्रहण कीजिए। यहाँ यदि पांच मिनटों में राम का उत्तर भी साथ में बोलूं, ये पूरे थे आर्गुमेंट्स जवाली को ब्राह्मण श्रेष्ठ। अब उत्तर है श्री राम, जवाली का ये वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने अपनी संशय रहित बुद्धि के द्वारा श्रुति संबंध सदुक्ति का आश्रय लेकर सद उक्ति का आश्रय, आप बुद्धि समझ सकते हैं, सद उक्ति का आश्रय लेकर कहा, हे विप्रवर, आपने मेरा प्रिय अब राम का तरीका लेके आर्गुमेंट करने का, उन्होंने हाथ जोड़ के ब्राह्मण श्रेष्ठ को इस तरह से आप संबोधन कर रहे हैं, हे विप्रवर, आपने मेरा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ जो बातें कही है वह कर्तव्य सी दिखाई दे रही है, किंतु वास्तव में करने योग्य नहीं है। वह पथ्य सी दिखाई दे रही है लेकिन वास्तव में अपथ्य है। जो पुरुष धर्म तथा वेद की मर्यादा को त्याग देता है वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, उसके आचार और विचार दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह सत्पुरुषों में कभी सम्मान नहीं पाता है। आचार ही यह बताता है कि कौन पुरुष उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ है और कौन अधम कुल, कौन वीर है और कौन व्यर्थी अपने आप को पुरुष मानता है तथा कौन पवित्र है और कौन अपवित्र। आपने जो आचार बताया है उसे अपनाने वाला पुरुष श्रेष्ठ दिखाई देने पर भी वास्तव में अनार्य ही होगा। कृष्ण गीता में अर्जुन को बोलते हैं अनार्य दुष्ट कीर्ति कर्म, वहां कृष्ण को कर्म ना करने पर ये गालियां कृष्ण जो है वो दे रहे हैं। यहाँ पर राम भी बता रहे हैं कि यदि वो ऐसा करते हैं तो अनार्य होगा। बाहर से पवित्र देखने पर भी भीतर से अपवित्र होगा, उत्तम लक्षणों से युक्त सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में इसके विपरीत ही होगा और शील मांसा दिखने पर भी वस्तुतः दुशील होगा। आपका उद्देश्य चुना तो धर्म का पहने हुए हैं किंतु वास्तव में अधर्म है, इससे संसार में वर्ण संकरता का प्रचार होगा। यदि मैं इसे स्वीकार करके वेदों के शुभ कर्मों का अनुष्ठान छोड़ दूं और विधिहीन कर्मों में लग जाऊं तो कर्तव्य अकर्तव्य का ध्यान रखने वाला कौन सा समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर आदर करेगा। उस दशा में तो मैं इस जगत में दुराचारी और लोग
का कलंक करने वाला समझा जाता है। तो चारवाक का ये खंडन हो जाता है कि लोक प्रसिद्ध राजा ही ईश्वर है, तो यदि वो वर्ण संघ हो जाता है वो राजा ही नहीं बचेगा, तो उसकी प्रसिद्धि भी नहीं होगी। तो यानी राजा बनने का जो मार्ग है वो उसको बल्कि राजा से उल्टा अप्रसिद्ध करेगा, वही आर्गुमेंट राम यहाँ दे रहे हैं। जहां अपनी अपनी की हुई प्रतिज्ञा ही तोड़ दी जाती है, उस स्थिति के अनुसार बर्ताव करने पर मैं किस साधन से स्वर्गलोक प्राप्त करूंगा, और आपने जिस आचार का उपदेश किया है मैं किसका है जिसका मुझे अनुसरण करना होगा, क्योंकि आपके कथानुसार मैं पिता पिता आदि में किसी का कुछ भी नहीं। यदि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पिता का वचन ना मानूं, प्रतिज्ञा को ना मानूं, इसका मतलब मैं आपकी प्रतिज्ञा को भी ना चुका सकता हूँ। यदि आप मुझे वो गुण ला रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा को ना मानूं, तो कल को आपकी बात में कैसे निश्चय करूं। ये आर्गुमेंट आपने दिया। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी हूंगा। स्वेच्छाचारी मतलब जो मन में आया कर लिया, मतलब कोई कोड़ा पंडित नहीं था। आपके बताए हुए मार्ग से चलने पर पहले तो मैं स्वेच्छाचारी हूंगा, फिर यह सारा लोग स्वेच्छाचारी हो जाएगा, क्योंकि राजाओं के जैसा आचरण होते हैं वैसे ही प्रजा के आचरण होते हैं। सत्य का पालन ही राजाओं का दया धर्म, दया प्रधान धर्म है, सनातन आचार है। अतः राज्य सत्य स्वरूप है, सत्य में ही संपूर्ण सत्य प्रतिष्ठित है। राम यह कहना चाहे जब सत्य ही ले लेगा तो राज्य कर देगा, और राज्य नहीं लेगा तो राजा क्या। ऋषियों और देवताओं ने सदा सत्य का ही आदर लिया है। इस लोक में सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाम में जाता है। झूठ बोलने वाले मनुष्य से सब लोग इसी तरह डरते हैं जैसे सांप से। संसार में सत्य के धर्म की पराकाष्ठा है और वही सत्य का मूल कहा जाता है। जगत में सत्य ही ईश्वर है, सदा सत्य के ही आधार पर धर्म की स्थिति रहती है। सत्य ही सत्य की जड़ है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है। दान यज्ञ होम तपस्या वेद इन सब का आधार सत्य ही है, इसलिए सबको सत्य पारायण होना चाहिए। एक मनुष्य संपूर्ण जगत का पालन करता है, समूचे कुल का पालन करता है, एक नरक में डूबता है, स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ और सत्य की शपथ खाकर पिता के सत्य का पालन स्वीकार कर चुका हूँ। ऐसी दशा में मैं पिता के आदेश का इसीलिए पालन नहीं करूँ। पहले सत्य पालन की प्रतिज्ञा करके अब लोभ मोह अथवा ज्ञान से विवेक शून्य होकर मैं पिता के सत्य की मर्यादा खुद नहीं करूंगा। हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करने के कारण धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उस चंचल से तुम्हारे पुरुष के लिए दिया हुआ अव्य कव्य को देवता भी और पितृ भी स्वीकार नहीं करते। मैं इस सत्य रूपी धर्म को समस्त प्राणियों के लिए हितकर और सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ। सब पुरुषों ने जगा बलगत आदि के धारण रूप तापस धर्म का पालन किया है, इसलिए मैं भी उनका अभिनंदन करता हूँ। जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है किंतु वास्तव में अधर्म है, जिसका नीच क्रूर लोभी पापाचारी पुरुषों ने सेवन किया है, ऐसे क्षात्र धर्म का पिता के आगे भंग करके राज्य ग्रहण करने का मैं अवश्य त्याग करूंगा, क्योंकि वह न्यायुक्त नहीं है। मनुष्य अपने शरीर से जो पाप करता है उसे पहले मन के द्वारा कर्तव्य रूप से निश्चित करता है, फिर जीवा की सहायता से उसे अनृत कर्म को वाणी के रूप में दूसरों को कहता है, तत्पश्चात औरों के सहयोग से उसे शरीर द्वारा संपन्न कराता है, कृत कार्य अनुमोदित मन से वचन से कर्म। इस तरह एक ही पात्र कायिक वाचिक मानसिक भेद से तीन प्रकार का होता है। पृथ्वी कीर्ति यश और लक्ष्मी ये सब की सब सत्य वाली पुरुष को पाने की इच्छा करती है, और शिष्ट पुरुष सत्य का ही अनुसरण करते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्य का ही सेवन करना चाहिए। आपने उचित सिद्ध करके कर्म पूर्ण वचनों के द्वारा मुझसे जो ये कहा कि राज्य ग्रहण करने में ही मेरा कल्याण है, अतः उसे अवश्य स्वीकार करो। आपका यह आदर्श श्रेष्ठ सा लगता है, लेकिन सज्जन पुरुषों द्वारा आचरण में लाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसे स्वीकार करने से सत्य और न्याय का उल्लंघन होता है। मैं पिताजी के सामने इस तरह वन में रहने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अब उनकी आज्ञा उल्लंघन करके मैं भरत की बात कैसे मानूं। गुरु के समीप की हुई मेरी यह प्रतिज्ञा अटल है, किसी तरह तोड़ी नहीं जा सकती। उस समय जबकि मैंने प्रतिज्ञा की थी, देवी कैकेयी का हृदय हर्ष से खिल उठा। मैं वन में ही रहकर बाहर भीतर से पवित्र हो नियमित भोजन करूंगा, पवित्र फल मूल एवं पुष्पों द्वारा देवताओं और पितरों को तृप्त करता हुआ प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसका निश्चय मैं कर चुका हूँ। अतः फल मूल आदि से पांचों इंद्रियों को संतुष्ट करके निश्चल श्रद्धापूर्वक लोक यात्रा का निर्वाह करूंगा। इस कर्म भूमि को पार कर जो शुभ कर्म हो उसका अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि अग्नि वायु सोम भी कर्मों के एक फल से उन पदों के भागी हुए हैं। देवराज इंद्र स्वयोगों का अनुष्ठान करके स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। मनुष्यों ने भी उग्र तपस्या करके पितृ लोगों का स्थान प्राप्त किया है। उग्र तेजस्वी राजकुमार
श्रीराम भद्रों की सत्ता का खंडन करने वाले जावाली प्रमुख वज्रों को सुनकर उन्हें सहन न कर सकने के कारण उन वज्रों की निंदा करते हुए पुनः उनसे बोले, सत्य धर्म पराक्रम समस्त प्राणियों पर दया, सबसे प्रिय वचन बोलना और देवताओं अतिथियों और ब्राह्मणों की पूजा करना, इन सबको साधु पुरुषों ने स्वर्ग लोक का मार्ग बताया। सत पुरुषों के इस वचन के अनुसार धर्म का स्वरूप जानकर तथा अनुकूल तर्क से उसका यथार्थ निर्णय करके इस निश्चय पर पहुंचे हुए सावधान ब्राह्मण भलीभांति धर्माचरण करते हुए उन उत्तम लोगों को प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी बुद्धि विषम मार्ग में स्थित है, आपने वेद विरुद्ध मार्ग का आश्रय ले रखा है, आप घोर नास्तिक और धर्म के रास्ते से कोसों दूर है। ऐसी पाखंडमयी बुद्धि के द्वारा अनुचित विचार का प्रचार करने वाले आपको मेरे पिताजी ने जो अपना याजक बना रखा है उस कार्य की भी मैं निंदा करता हूँ। जैसे चोर गंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध यानी बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। तथागत नास्तिक विशेष नास्तिक चारवाक को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो अर्थात उनसे वार्तालाप भी ना करें। आपके सिवा पहले के शेष ब्राह्मणों ने ईलोक और परलोक की पद कामना का परित्याग करके वेदोक्त धर्म समझकर सदा ही बहुत से शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है। अगर जो भी ब्राह्मण है वे वेदों को ही प्रमाण मानकर स्वस्तिक कृत अहिंसा सत्य आदि यम तप दान और अहंकार आदि कृत तथा बुद्ध यज्ञ आदि कर्म का संपादन करते हैं। जो धर्म में तत्पर रहते हैं सत्पुरुषों का साथ करते हैं तेज से संपन्न होते हैं जिनमें दान रूपी गुण की प्रधानता होती है जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करते तथा जो मन संसर्ग से रहित है ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसार में पूजनीय होते हैं। महात्मा श्री राम स्वभाव से ही दैन्य स्वभाव से रहित थे। उन्होंने जब रोष पूर्वक पूर्वक बात कही तब ब्राह्मण जपाली ने विनय पूर्वक या आस्तिकता पूर्ण सत्य एवं हितकर वचन कहा। अभी अगले दो वाक्य ध्यान से सुनिए कि राम का आर्गुमेंट सुनने के बाद जपाली ने उनको क्या उत्तर दिया। रघुनंदन, ना तो मैं नास्तिक हूं ना नास्तिकों को किसी बात ही करता हूं। रघुनंदन, ना तो मैं नास्तिक हूं ना ही नास्तिकों को किसी बात करता हूं। परलोकवादी कुछ भी नहीं है ऐसा मेरा मानना नहीं है। मैं अवसर देकर फिर आस्तिक हो गया और लौकिक व्यवहार के समय आवश्यकता होने पर पुनः नास्तिक बन सकता हूं, नास्तिकों को किसी बातें कर सकता हूं। इस समय मेरा ऐसा अवसर आ गया था जिससे मैंने धीरे धीरे नास्तिकों किसी बातें आपसे कह डाली। श्री राम, मैंने जो ये बात कही इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि आप किसी भी तरह राजी होकर अयोध्या लौटने के लिए तैयार हो सकते। I want to finish with why I related the whole story. Two things. The way this argumentation happened, it was also in a way a shastra. When everyone got a respectable position, brought forth their argument. The way they integrated things, and finally Charvak, that Raman, revealed the right motive behind why he invoked the Nastik Darshan. And this is true for today also, the people who propagate hedonism are the marketing people who want to do sales, the politics people who want to create, expand the fault lines in the society, you know, the rights people, human rights, this right, those rights. So whoever is propagating the Nastik Darshan, they have a clear cut objective in your mind. It's just that we don't understand. So I wish that we understand the way Sri Ram has gracefully handled this philosophical debate and still stood there and went to Zai with the Dharma. I wish that everyone does the same and understand Nastik and Astik Darshan in the right context. Thank you. मैं भी अपनी सारी बात कर रहे थे उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूँ। तीन पॉइंट्स हैं, स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म यानी भौतिक आध्यात्मिक साथ चल सकता है बशर्ते तीन गुण हो। पहला गुण नॉन अटैचमेंट, मैं सामने कहा था नॉन अटैचमेंट। जब हम बात कर रहे थे अकर्मण्य कर रहे थे पर वही अकर्मण्यता को स्पिरिचुअलिटी निष्काम कर्म ही कहता है।
हम कर्ण है निष्काम, अगर हम वो कर सकते हो इट्स इजियर से टेंडर, ये भी पक्का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये नॉन डेफिनेट। सेकेंड अवेयरनेस, हम जो कर रहे हैं उसमें अवेयर है, भागो नहीं जागो, भोगो नहीं साधो, ये बहुत जरूरी है। राम रिलीजियस, मेरा मानना है राम मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल जैसे किसी एक को चुनने को बाध्य है, क्योंकि वो एक चरित्र इस तरह बनाए गए जो मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा इस स्ट्रक्चर का कैरेक्टर, मेरा मानना है सबसे नजदीक है स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म को साथ मिला के, युग स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म को साथ में लाने के लिए जब तक कृष्ण को रोल मॉडल नहीं बनाता तब तक मुश्किल होगा। कृष्ण कहते हैं बड़ी खूबसूरती से कहते हैं अवेयरनेस, याद कीजिए पूरी गीता किसको सुनाएगी, एक्चुअली अर्जुन को सुनाएगी, संजय और धर्मराज को सुनाएगी, है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, पर फिर भी अगर मान भी लूंगा कि किसको कही गई है तो कृष्ण ने किसको कही है, अर्जुन को, और अर्जुन वही इंसान है जिन्होंने कहा था कि मुझे अब लड़ना है, पहले कहा था कभी कि नहीं कहा था, बिल्कुल, और याद कीजिए उस टाइम वो सबको समझा रहा था, दुर्योधन के पास भी गए बातचीत की यार इसको डाल देते हैं वो तो क्या क्या मतलब है, इतने गांव दे दो इतनी को दे दो ये कर दो वो करो, लेकिन फिर वही आदमी जो अर्जुन को अभी तक कह रहे थे कि हाँ अगर युद्ध डले तो अच्छा है, दुर्योधन को कह रहे थे युद्ध डले तो अच्छा है, वही आदमी अर्जुन को ये क्यों कहते हैं कि आप मुझे युद्ध करना है, कभी आपने सोचा, क्योंकि याद कीजिए ये उसका जो निश्चय था कि आप उसे युद्ध नहीं करना है उसके पहले का पूरा बैकड्रॉप देखिए, वो कहता है मुझे ले चले दोनों सेनाओं के बीच, मैं देखना चाहता हूं मैं जिनके खिलाफ लड़ रहा हूं वो कौन है, अरे ये तो मेरे ताऊ, अरे ये तो मेरे चाचा, अरे ये तो मेरे गुरु, तब कृष्ण कहते हैं अब तू लड़ेगा, क्या बात कर रहा हूं क्यों लड़ रहे हो, कर रहे कृष्ण कह रहे हैं कि तेरे अंदर अहिंसा है ना, ये बोध से नहीं मन से है, और मोह से आई हुई अहिंसा से बेहतर बोध से आई हुई हिंसा है, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, तुम्हें होश रखो मैं ये कर रहा हूं, दिख रहा है मुझे मैं कर ह्यूमन बींग एक मान रहता है इंसान एक पर जानवर है जो अपने से बाहर हट खुद को देख पाने की क्षमता है, वो अवेयरनेस समझ जनक जिनकी हम बात कर रहे थे ना, तुमने क्यों कहा जाता है हमारे यहाँ बिल्कुल राजर्षि की तरह, क्योंकि एक बार नारद जो है नारद ने कहा कि तरफ पता करता हूं यार तीन को क्यों ऋषि माना जाता है, तो गए उनके पास तो उन्होंने कहा कि सीक्रेट होता है तुम्हें ऋषि को माना जाता है, तो जनक ने कहा कि चलो एक काम करो नारद मेरे साथ निर्भर घूमो, निर्भर घूमो क्या हाँ निर्भर घूमो, तो क्या पता चला उसे ना दिन के बाद करता हूँ, दिन के बाद निर्भर क्या करना, कहते ये दूध का प्याला, कहता हूँ दूध नहीं चलाना चीज में, अगर दूध नहीं चल रहा ना पूरे दिन भर में तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा सीक्रेट, अब नारा चीज पर उनके साथ साथ चले और देखते रहे कि तुम छल ले रहो तुम छल ले रहो तुम छल ले रहो, शाम को जब सब खत्म हो गया तो नारा जी से पूछा जनक ने, हाँ आपको याद है जब हम गए थे वहां मेरा सम्मान हुआ था, उसने नहीं ना तुम्हें याद है वहां से निकले तो उन दोनों ने जो है वो सर की बात कही थी और भतीजे की बात कही थी, नारा नहीं एक मैनेजर गुस्सा होता है तो गलत होता है,
लेकिन जब एक मैनेजर गुस्से का इस्तेमाल करता है कोई सही चीज करेगी तो सही होता है। मैं आपको बताऊं मेरा सबसे एग्जांपल इससे तो मैं ऐसे समझाना चाहता हूं। व्हाट्सएप पर एक ट्रेडमेकर के साथ बैठा था, उसने लिमिट मांगी, लिमिट दी थी मैंने, उसने मेरे को लिमिट दी थी 500 टेक्नोलॉजी की मदद से दिया है। तो जब वहां पे गया तो चलते चलते मैं ऐसे ही पूछता रहता हूँ, बहुत सवाल पूछता हूँ लोगों से, तो मैंने उनसे सवाल पूछा ट्रेड वाले से, आप कितनी देर से आप रहते हो? तो मेरे तो देखते कहना मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, सबका अलग अलग होता है। तो मैंने कहा पर फिर भी कितना देर से आ रहे थे? अब जवाब सुनिए सर, मेरे तो देखते कहता एक्सीलेटर पे पांव डाल देते हैं और जब दिल की धड़कन बढ़ने लग जाए दूसरा पुलिस जो कह रहे थे पहले तो आपने जो सब कहा मुझे मतलब मैं पूरी तरह से मूव था क्योंकि मैंने कभी इस तरह नहीं देखा इस सब को कितना खूबसूरती से राम हमारे किस किस तरह से बात की जा रही है शांति शास्त्र। लेकिन मैं पुलिस कह रहे थे उनकी बात सुन रहा था बहुत खास, उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कही थी कि ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाते वक्त एक बार गाड़ी को पहुंचता है, हम कहते हैं स्पिरिट फॉलो क्योंकि उसने क्या कहा सोचा कि मैं इतना यूटर लेके आऊं उसने 7:30 बजे मैं यहीं से निकल के ऐसा शॉर्ट मारूं या तो ऐसे जाके ऐसा आऊं या ऐसे जाके ऐसा चला जाऊं। मैंने मेरे पार्टनर सौरभ के साथ था, मैंने सौरभ को देखेगा सौरभ इसी थिंग वर्ड टाइप पर बता रहे सौरभ कहता क्यों क्यों बदबू आते रहते हैं बदबू है मेरे डॉक्टर मैं बता कहता क्यों मैंने क्योंकि सेम मोबाइल है इसका काम गाड़ी चलाना है दरअसल इसका काम बच्चों को घर से स्कूल सुरक्षित पहुंचाना और स्कूल से घर सहेज कर पहुंचाना वो रिचुअल याद करता है इस बात को जब सर कह रहे थे पुनीत जी कह रहे थे कि जब खाना बनाते हैं खाना बनाना जो है वो भी स्पिरिचुअल आप बताइए आप सब लोग कई लोग घर से दूर होंगे इस वक्त कितने लोग यहाँ लुचा करें बताइए आप क्या मिस कर रहे हैं नहीं आप ध्यान सुनिएगा आप खाना मिस करते हैं कि परोसने वाले को देखिए साहब रिचुअल है खाना और जिस तरह से परोसा जा रहा है हम वो मिस कर इसी स्पिरिचुअल जो आप स्पिरिचुअल खाना हर इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है होते हुए हुए बिना नहीं होते हुए आपकी बात जो कहते हैं जब इसी में तीसरा पॉइंट जब हम कहते थे कृष्ण की बात जब कह रहे थे स्पिरिचुअलिटी में बैठे वैसे काम कैसा नहीं काम कैसे आपने ऐसा सुना होगा गीता का कहना है कि कर्म करते जाओ क्षमा करो कृष्ण सकेंगे सर वो इतने चल रहे हैं सॉरी कृष्ण मेरे बहुत क्लोज है फल की इच्छा ही करो बस फल की इच्छा कर्म करते वक्त मत करो सुनिए ध्यान से आपको टॉप करना है
तो आप पहला चैप्टर पढ़ रही और पहला चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप सोचिए टॉप करना है तो ना तो आप टॉप कर पाएंगी और नहीं पहला चैप्टर पढ़ पाएंगी। अगर टॉप कर भी लिया तो पहला चैप्टर कुछ दिनों के बाद आपको यहाँ से खंडवा जाना है, आप गाड़ी में बैठिए और खंडवा की तरफ गाड़ी चलेगी, आप जब गाड़ी चलाए तो आप गाड़ी खंडवा की तरफ घुमाइए और उसके बाद गाड़ी खंडवा पहुंचने के लिए गाड़ी गाड़ी चलाने के लिए चले करते जाओ, फल की इच्छा ही करो, बस फल की इच्छा कर्म करते जाओ, बस कृत्य के पहले भाव हो, स्पिरिट शुड टेक प्रेफरेंस।